नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम शातलाई से चलकर पवित्र गुफा देवसिद्ध में बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करेंगे। इस यात्रा का ये दूसरा वीडियो है। इस यात्रा से संबंधित अन्य वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तौर पर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ पुराने वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी उतना ही पसंद, लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इस यात्रा का आनंद लेते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं। जय बाबे दी। अभी आप देख पा रहे हैं देवसिद्ध में स्थित गाड़ियों की पार्किंग का एक नज़ारा। इस पर्टिकुलर जगह पर प्रशासन के द्वारा गाड़ी पार्क करने की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। यदि आप कभी भी बाबा जी के दर्शन करने यहाँ आए तो इस स्थान पर आप अपनी गाड़ी को निःशुल्क पार्क कर सकते हैं। बाबा बालकनाथ जी की गुफा दर्शन के लिए यदि हम शातलाई की ओर से जाएंगे तो हमें ये 6 डोगरा गिटिया द्वार देखने को मिलता है। इसका निर्माण कमान ऑफिसर कर्नल श्री अनिल कुमार जी के द्वारा दिसंबर 2011 को करवाया गया था। यह गिटिया द्वार भारतीय सेना की 6 डोगरा बटालियन के सभी शहीदों एवं भूतपूर्व सैनिकों और समस्त सैनिक परिवारों के नाम पर बाबा जी को समर्पित किया गया है। प्रवेश द्वार पर ही हमें एक बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति देखने को मिलती है, जो अपने आप में काफ़ी मनमोहक है। और ऐसा आभास होता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले बाबा जी खुद हमें देख रहे हैं। Thank you.
आए दुनिया मारे बोल बाबा I'm
वीडियो को शूट करते हुए एक एक पल संगत के द्वारा और महंत श्री जोगिंदर जी के द्वारा जो बाबा जी का गुणगान किया गया वो अपने आप में इतना कीमती था कि इस वीडियो को एडिट करते हुए मैं इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या रखूं और क्या एडिट कर हटाऊं। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी बाबा जी का ये गुणगान ज़रूर पसंद किया होगा। तो चलिए आगे की यात्रा आरम्भ करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी आप उसी झंडे को देख पा रहे हैं जो दिल्ली में झंडा फेरी में बनाया गया था। इसी झंडे को बस के माध्यम से दूरस्थित गुफा तक लाया गया और अब सेवादार इस झंडे को बाबा बालकनाथ जी को समर्पित करेंगे, अपना सेवा भाव उनके प्रति अर्पित करेंगे। Oh, yeah, yeah.
चैत्र मास का पावन महीना होने के चलते देवसिद्ध स्थित बाबा जी की गुफा में भी संगत का भारी रश देखने को मिला और कुछ समय लाइन में इंतजार करने के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब दिल्ली से चली सारी संगत को पवित्र गुफा में बाबा जी की स्थित मूर्ति के दर्शन करने का मौका मिला। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करवाने का प्रयास करूँगा, पर अधिकतर ये देखा जाता है कि वीडियो शूट या वीडियोग्राफी करने की मनाही होती है। यदि मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। बाबा जी की गुफा में उनकी पवित्र मूर्ति के दर्शन करने के पश्चात महंत श्री जोगिंदर जी महाराज के द्वारा सारी संगत में रोट प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा जी के आशीर्वाद के रूप में इस चीज़ को संगत ने ग्रहण किया। मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली से चलकर देवर से बाबा जी की गुफा तक के दर्शन के सभी वीडियो आप ज़रूर पसंद करेंगे। मेरी एक कोशिश थी कि इस यात्रा के हर पल को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। यदि आपको मेरे ये सब वीडियो पसंद आए हों तो कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय बाबे दी।